अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। करते हैं एक नए दिन के साथ नया व्लॉग स्टार्ट। और आज फिर मैं हर बार की तरह फिर बाहर जा रही हूँ कुछ शॉपिंग पे। बच्चे मैंने छोड़ दिए उनकी नानों के पास, क्योंकि मैं दो दो बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मैं जा रही हूँ कायनात के साथ। कायनात जो देखने वाले हैं रोज़मर्रा मुझे, उनको तो पता है कायनात कौन है। जो नहीं देखने वाले, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, उन्हें मैं बताती चलूँ कि कायनात मेरी नंद है। उसके साथ मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग पे। और जो न्यू देखने वाले हैं प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब करें। देखते हैं मुझे 80-90% ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब कर दें। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप सब मेरे साथ रहिएगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी सस्ती सस्ती वाली शॉपिंग करने जा रही हूँ। बहुत मॉल में घूम लिया, बहुत बाज़ारों में घूम लिया, आज हम कहीं सस्ती शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर चल के बताऊँगी। और ये मैंने नीचे शूज़ पहन लिए हैं क्योंकि बाहर घूमना बहुत ज़्यादा है, और अबाया मैंने पहन लिया है। तो बस अब हम निकलेंगे। तो हाँ जी फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अलादीन बुद्ध बाज़ार में। यहाँ पे हमने पार्किंग करवाई और गाड़ी वगैरह खड़ी करके हम लोग यहाँ से गाड़ी से उतर के अभी अंदर चलते हैं। अंदर जैसे ही अभी मैं इंटर हुई थी, यहाँ पे इतनी खूबसूरती, ये देखें आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, हर तरफ ग्रीनरी है तो आर्टिफिशियल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और बहुत रिजनेबल प्राइस थी। जैसे ही अंदर गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे स्टफ़ में बच्चों के कपड़े थे, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े थे। और इन कपड़ों की कीमत 150 से 200, इससे ज़्यादा किसी की भी कीमत नहीं थी। यहाँ से मुझे एक दो शर्ट्स पसंद आई थी अपनी बेटियों के लिए, मैंने यहाँ से शर्ट भी ख़रीदी। बहुत ही अच्छी वैरायटी में थी, बहुत अच्छी कंडीशन में थी। कंडीशन क्या, इन पे टैग भी लगे हुए थे। ये जो कराची का अलादीन पार्क है, यहाँ पे एक तो आपको चीज़ बहुत ही कम रेट में मिल जाती है, आप कह लें कि बिल्कुल फ्री का एक किस्म का मिल जाता है आपको वहाँ से सामान। और सेकंड चीज़ ये कि चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर टैग भी लगे हुए होते हैं। यूज़ में चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर टैग भी लगे हुए होते हैं। ये वो माल होता है जो रिजेक्ट हो जाता है कंपनी की तरफ से, या जो भी इश्यूज़ कोई भी इश्यूज़ के अंदर आ जाता है तो फिर ये लोग पाकिस्तान भेज देते हैं बाहर के लोग, और यहाँ पे फिर लुंडा बाज़ार में सेल होती हैं। और बहुत ही अच्छी वैरायटी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा स्टफ़ कह लें कि लॉन्ग लाइफ चलने वाला ये कपड़ा है। ये देखने आप मैं छांटी कर रही हूँ और जो जो मुझे समझ में आ रही है मैं अपने बच्चों के लिए ले रही हूँ। कायनात के बच्चों के लिए भी ली शर्ट्स वगैरह, उसने भी ली अपनी बेटी के लिए। और ये देखिए सब बॉयज़ की लगी हुई हैं यहाँ पे शर्ट्स वगैरह। ये जो ऊपर फ्रॉक लगी हुई है इसकी कीमत थी 450 रुपये, और ये जो पीछे है इसकी भी आई थिंक 450 के करीब थी, इनकी मुझे याद नहीं है, बस पूछी थी कायनात ने और मैं वीडियो में लगी हुई थी तो इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पर आपको शॉर्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये जितने भी यहाँ पे आपको शॉर्ट नज़र आएंगे, शॉर्ट की भी कीमत 100 रुपया 150, इससे ज़्यादा नहीं था। तो अभी यहाँ पे मुझे एक बर्तनों का स्टॉल नज़र आएगा और उस पर इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्तन पड़े हुए थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से मग पड़े हुए हैं, चॉपर है और फिरनी सेट है, गिलास हैं, जग है, इस्त्री है, मतलब A to Z जो सामान आपको किचन का चाहिए होगा हर एक चीज़ मिलेगी। और अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, कोई लोकल चीज़ नहीं है, हर चीज़ की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आप सबको रेकमेंड करती हूँ कि वहाँ पे जाएं और आप विज़िट करें, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी और बहुत ही कम कीमत में। अच्छा, यहाँ पे मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, गुजरते हुए मेरी एक स्टॉल पर नज़र पड़ी, यहाँ पर ये सारे स्टॉलर्स लगे हुए हैं और इन स्टॉलर की कीमत आप सुन के हैरान होंगे, स्टॉलर की कीमत सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया, और स्टॉलर भी अच्छे, मतलब गर्मियों के हिसाब से सॉफ्ट। ये है कि छांटी करके आपको निकालना पड़ता है, छांटी जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉलर्स भी मिलेंगे जिनके कॉर्नर पर टैग लगे होते हैं, बिल्कुल न्यू स्टॉलर 150-150 रुपये के। मैंने बहुत ज़्यादा छांटी की और छांटी के बाद मुझे एक स्टॉलर पसंद आया, वो मैंने ले भी लिया।
स्टॉलर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आई हूँ। यहाँ से मुझे जो है अपने बच्चों के लिए जूते देखने थे, और जूते जो है गुजरते गुजरते ही मेरी नज़र पड़ी, इतने खूबसूरत जूते थे, मतलब छांटी करो तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त है। जो वाइट वाला अभी नीचे रखा है, ये वाइट वाला भी मैंने लिया बच्चों के लिए। और उसके बाद आगे आए तो यहाँ पे देखिए इतने खूबसूरत शो पीस वगैरह पड़े हुए हैं, हर किसी की कीमत बहुत ही रीज़नेबल है। यहाँ पे मेरी दुकानदार से थोड़ी सी बहस हो गई थी, उसने कहा बाजी वीडियो मत बनाए, अलाउ नहीं है। मैंने कहा जा भाई क्यों नहीं है अलाउ। मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की और बस हम लोग यहाँ से घर के लिए वापस आ रहे हैं। ये देखें कितना सारा सामान मैंने शॉपिंग किया, इतने सारे फालतू पैसे लगा के अब मैं घर की तरफ वापस आ रही हूँ। और ये महानूर मेरे हाथ में मकई दे रही है, मकई खा रही हूँ। थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम लोग घर से 2 बजे निकले और बाज़ार से 5:30 बजे निकले। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बिल्कुल धूप ख़त्म हो चुकी है, छाँव हो गई थी, और घर पहुँचते पहुँचते मग़रिब हो चुकी थी। जी फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं घर पे आ चुकी हूँ, घर पे नहीं अम्मी के घर पे हूँ मैं। और पहले मैं कायनात के घर पे गई थी, वहाँ पे चाय शाय पी, और उसके बाद बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, तभी मैं आई हूँ अम्मी के घर पे। और सारा सामान जो है मेरा इसी तरह से, ये देखिए बिखरा पड़ा है सारे का सारा। और बस अभी आप भी आएंगे और घर को चलते हैं हम लोग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।